हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम टू द सेशन। सब लोग बढ़िया एकदम? तो अगर सब लोग बढ़िया तो जल्दी से बोलो तारा रारा, जल्दी से। हाँ, ये हुई ना बात। Thank you so much for such warm welcome, people. I can already see we have 300 students right now and we have crossed 400 likes. That is fantastic. Thank you so much and welcome to the special session today. क्योंकि भाई आज का session बहुत ही interesting होने वाला है। सबसे पहली बात इसलिए क्योंकि today we are going to talk about the ray diagrams of concave and convex lenses. What are we going to talk about? Ray diagrams of concave and convex lenses. पिछले session में मैंने आपको क्या कहा था? जो हमारा standard incident ray concept का session था मंडे को, उसमें मैंने आपको कहा था कि इस सेशन में आने से पहले रे डायग्राम्स ऑफ मिरर्स को जरूर देखकर आना, क्योंकि ये जो रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेस है उनमें आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर मिरर्स के याद है, लेंसेस के ऑब्वियसली याद रहेंगे। तो मैं आज आपको वो छोटा सा ट्रिक और टिप समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको लेंसेस के रे डायग्राम्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है और किस तरीके से ये एकदम सिमिलर है मिरर्स के थ्रू। वो ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल एनिमेशंस विल अंडरस्टैंड द रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेस। विल हैव टू क्विजेस ऑल्सो टुडे। दो क्विजेस होंगे, एक क्विज होगा रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेस के बाद और दूसरा क्विज होगा रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव लेंस के बाद। तो रेडी, एवरीवन रेडी? आज मेंटी भी होने वाला है, हाँ, क्विजेस के लिए भी रेडी रहना फिर। गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम टू दिस सेशन। क्या बात है। अरे देखो, झट से बच्चे 650 हो गए हैं और हमारे पास लाइक्स तो भाई 550 क्रॉस कर गए हैं। क्या बात है। वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। इट्स रियली मींस अ लॉट। तो सेशन के बीच में या सेशन एंड के दौरान मैं आपको ये जो नीचे जो ब्लू स्ट्रिप दिया हुआ है ना, इसके बारे में बताऊंगा फॉर ऑल दिस न्यू स्टूडेंट्स। पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं इसके बारे में। vdnt.in/ytpro का जो लिंक है वो आपको बताऊंगा उसके बारे में, कैसे हमारे साथ जुड़ना है लॉन्ग टर्म कोर्सेस में, ठीक है? तो जरूर बताऊंगा आपको एट द एंड, नॉट नाउ। तारा, हाँ जी, जो भी बच्चे मेंटी के लिए आए हैं, सिर्फ पहली बात बेशर्मो, शर्म नहीं आती, सिर्फ मेंटी के लिए क्लासेस में आते हमारे, इंसल्ट कर दी मेरी आप लोगों ने। हाँ, मुझसे ज्यादा प्यार करते हो कि मेंटी से? बताओ मुझे चैट पर, अभी बताओ मुझसे ज्यादा प्यार करते हो कि मेंटी से करते हो? जल्दी बताओ चैट पर। Who do you love more, sir? What do you love? Do you love me more or do you love Menti more? आप सर मुझसे ना? हाँ, ऐसे, thank you, हाँ, thank you so much. दिल को तसल्ली मिल रही है। But don't worry, there's going to be a Menti after ray diagrams of convex lenses and there's going to be a Menti after ray diagram of concave lenses. लेकिन आज के सेशन को Menti की तरह नहीं, take it as an amazing session for understanding ray diagrams, ठीक है? चलो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी सी न्यूज देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, which is going to be this. I'm pretty sure everyone is aware of this fact कि yes, one of the leading stars of the industry, Vidya Balan ji, आ रही है हमारे यहाँ पे on the concept of Shakuntala Devi and how and everything she had to take up the role and apparently what kind of motivation she had and what kind of part she has played in terms of education and everything. Talk about everything to have her inspiring communication with us. She is coming up for the master talk with the achievers and yes, that's the link in which you can go forward and join vdnt.in/genius. mere khayal se agar aapko nahi dikh raha hoga to main likh deta hu dobara iske upar. To haan ji, to just have to go on to vdnt.in/genius in capital. सीधा इसमें कर देना, दैट्स ऑल, vdnt.in/genius एंड यू विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर लिंक। तो या दैट्स दी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, दैट्स अमेजिंग। तो या कोऑर्डिनेट विद द स्टार्स लाइक हाउ दीपिका पाडुकोन केम बिटवीन बिफोर दिस सेशन, गो फॉरवर्ड विद दिस टॉक एज वेल, है ना? विल ट्राई टू ब्रिंग अप मोर एंड मोर रेलेवेंट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, विल ट्राई टू डू दैट, है ना? चलो ग्रेट, ओके, सो आई थिंक वी कैन गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट। तो भाई मुझे पता है कि आप लोग मुझसे परेशान हो काफी, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत परेशान हो। क्या परेशानी है? सर इतने सारे सेशंस ले लिए आपने लाइट के लिए। अरे तो मैंने पहले ऑलरेडी बोल दिया है, मैं जाऊंगा डिटेल में जाऊंगा ताकि मेरे को ना ये सारे वीडियोस मैं दोबारा ना बनाऊं। सर नहीं, मजाक कर रहा, ऐसी बात नहीं है। बट सिंस द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड, नो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक में डीप चले जाओ, सारे टॉपिक को अच्छे समझ लो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो हाँ, रिफ्लेक्शन तो खत्म कर दिया हमने, रिफ्रैक्शन पे, रे डायग्राम्स पे है। इस हफ्ते मैं आपको साइन कन्वेंशन भी दे दूंगा, इस संडे को मैं आपको साइन कन्वेंशन लेंसेज का भी वीडियो दे दूंगा। तो अगले हफ्ते ये दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे, तो यानी कि बाय दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक योर लाइट शुड बी डन। सो मेजर टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर डन, विल बी लेफ्ट विद ह्यूमन आई एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, व्हिच आर वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स, दैट विल बी डन इन अनदर आई थिंक अ मंथ ऑर सो। अगले डेढ़ महीने के अंदर, डेढ़ दो महीने के अंदर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा।
So by September, October 15th, your entire syllabus is done. So you can chill out. So don't worry. Relax हो जाओ. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. और चलते हैं बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने एक बहुत सिंपल सा होमवर्क दिया था. इसका सबसे पहले आंसर देने वाले थे, देने वाली थी पूजिता जी. कंग्रेचुलेशन पूजिता जी. फैंटास्टिक. अर्जुन जी वॉज ऑन सेकंड, त्रिशा वॉज ऑन थर्ड, तेजस वॉज ऑन फोर्थ. फैंटास्टिक. शानवी जी वॉज ऑन फिफ्थ, कुशग्रा वॉज ऑन सिक्स, प्रवीणा वॉज ऑन सेवेंथ. क्या बात है यार, मजा आ गया, मजा आ गया. कितने बच्चे हो गए? अरे वाह, देखते देखते 900 बच्चे हो गए. 750 लाइक्स क्रॉस कर दिया आज हमने, मजा आ गया. चलो अब विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम पीपल, लेट्स गेट इनटू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज. तो यहां पे हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे. वो एक्सरसाइज क्या है? द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन कि बिफोर कमिंग टू टुडेज सेशन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द रे डायग्राम्स ऑफ मिरर्स इज बिकॉज रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर्स is 99% equal to the ray diagrams of convex lenses. 99%. And what is that 1% different? That difference is, mirrors mein hota hai reflection, aur lenses mein hota hai refraction. That's the only difference. Similarly, ray diagrams of convex mirror is equal to the ray diagrams of concave lenses. Almost equal. Toh agar aapko mirrors yaad hai na, lenses yaad karne ki zarurat hi nahi hai. और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा. अभी झट से बच्चों अगले 5 मिनट में ये प्रूव हो जाएगा कि कैसे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम. रेडी हो आप लोग? रेडी हो? तो मैं इस टेबल को झट से भरने वाला हूं आपके हेल्प से. एक एक ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखूंगा, उसके इमेज पोजीशन आप मुझे बताओगे, मुझे आप उसमें नेचर बताओगे, ओरिएंटेशन बताओगे, साइज बताओगे. जैसे जैसे मैं आपके चैट के थ्रू यहाँ पे आंसर देखने लिख जाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इतना इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है. दिखेगा आपको. ठीक है? तो बच्चों यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज? यहाँ पे मुझे प्रॉमिस करो कि हर एक बच्चा बताएगा मुझे इसका आंसर. जल्दी बताओ, पहले ये प्रॉमिस करो. और जो बच्चे ऐसे वीडियो देखेंगे वो भी मुझे बताएंगे. जल्दी बताओ, रेडी टेक द चैलेंज? है सही में? चलो ठीक है, सही है. तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन हमने क्या पढ़ा था? मिरर्स में धन धन यहाँ पे स्पैम होनी चाहिए, YouTube क्रैश हो जाना चाहिए, इतना स्पैम होना चाहिए. सही आंसर, सच बता रहा हूँ चैट पे. ठीक है, कमेंट्स में भी ऐसे होना चाहिए. कमेंट्स जैसे वीडियो आप उसको देखोगे, मुझे कमेंट्स में सबका आंसर चाहिए. 1000 कमेंट्स क्रॉस हो जाए, 2000 कमेंट्स क्रॉस हो जाए, फर्क नहीं पड़ना. ठीक है, चलो पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन है, एज ऑल ऑफ यू गाइस नो, इट इज इन्फिनिटी. पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी. करेक्ट? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इमेज कहाँ पे होता है? कॉनकेव मिरर के लिए बताओ मुझे. जस्ट टेल मी फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस वो इक्वल अपने आप हो जाएगा. सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए बताओ. फोकस, इमेज इज एट फोकस. करेक्ट, एग्जैक्टली. कॉनकेव मिरर के लिए इमेज इज एट फोकस. वेरी गुड, फैंटास्टिक. नेचर क्या है? नेचर क्या होगा? नेचर क्या होता है? एक साथ बताओ. नेचर, ओरिएंटेशन, साइज. रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट. नेचर इज रियल, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, है ना? एग्जैक्टली, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड HD. HD माने के हाईली डिमिनिश्ड, है ना? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. स्पैम के ऊपर स्पैम. सेकेंड पोजिशन क्या है बच्चों? सेकेंड पोजिशन क्या है? मिरर के केस में हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से बियॉन्ड सी टू बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्व चलाते हैं, यानी कि ये हो जाता है बियॉन्ड सी. हाँ, ये हुई ना बात? करेक्ट. नॉट ओनली इफ इट इज बियॉन्ड सी, वेयर इज द इमेज पोजीशन? इफ इट इज बियॉन्ड सी, वेयर इज द इमेज फॉर्म फॉर अ कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर में इमेज कहां बनता है? बिटवीन सी एंड एफ. फैंटास्टिक. कहां बनता है? बिटवीन सी एंड एफ. फैंटास्टिक, ये हुई ना बात. नेचर क्या है? नेचर तो यहां पर भी सेम है, रियल है, इन्वर्टेड है. और साइज क्या हो जाता है? डिमिनिश्ड हो जाता है. HD नहीं होता है, वो होता है सिर्फ डिमिनिश्ड, है ना? फैंटास्टिक. ये टाइप की स्पैमिंग चाहिए, ये टाइप की स्पैमिंग चाहिए. ओके ओके, बस 3 मिनट और, 3 मिनट और हो जाएगा ये. अब देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है? ऑन सी. अगर ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया ऑन सी तो इमेज कहां बनेगा? जल्दी से एट सी. वेरी गुड, यस शानवी, यस रोहित, यस सुनीता, यस सिद्धार्थ, आयुष, यस यस, एब्सोल्युटली, इट इज फॉर्म एट सी. फैंटास्टिक. नेचर अगेन रियल, इन्वर्टेड और यहां पे हो जाता है सेम साइज. साइज हो जाती है सेम, इतना तो हमें याद है ना? किलिंग इट ब्रो, किलिंग इट, गुड जॉब. नेक्स्ट पोजीशन. अब देखो फोर्थ फिफ्थ में आपको शॉर्टकट भी बताया था. शॉर्टकट क्या था? फोर्थ याद रखना है, सेकंड को याद रख लो. सेकंड का ऑपोजिट होगा, है कि नहीं? ये मैंने बताया था आपको. चलो इमेज पोजीशन ऑब्जेक्ट पोजीशन है, बिटवीन सी एंड एफ. देखो ऑपोजिट हो गया, बिटवीन सी एंड एफ. देखो ये ऑपोजिट हो गया, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ऑपोजिट हो गया. याद करने की जरूरत नहीं है फोर्थ रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का भी, बिल्कुल याद ना करो. सीधा सेकंड का ऑपोजिट ऑफ फोर्थ. रियल इन्वर्टेड सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है. साइज यहां था डिमिनिश्ड, उसका ऑपोजिट क्या होता है? एनलार्ज्ड. छोटो का ऑपोजिट क्या होता है? बड़ा ना. डिमिनिश्ड का छोटा ऑपोजिट होता है एनलार्ज्ड. खत्म. फिफ्थ रे डायग्राम में क्या बताया आपको? वॉट सो लेट मी टेल मी वेरी वेरी क्विकली, फिफ्थ रे डायग्राम किसका ऑपोजिट है? जल्दी बताओ.
जिन बच्चों ने सेशन को देखा उनको पता है, जिन बच्चों ने मेरे रे डायग्राम ऑफ मिरर्स के सेशन को देखा उनको पता है। चलिए बताओ फिफ्थ रे डायग्राम किससे ऑपोजिट है, कौन से रे डायग्राम से ऑपोजिट है? हाँ पहले वाले से, सही है ना? तो सेशन देखा तो कितना अच्छा होता, ये हुई ना बात, फैंटास्टिक। सो फिफ्थ रे डायग्राम इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द फर्स्ट, फोकस यहां, इन्फिनिटी यहां, ये तो सेम रहेगा, इसमें डिफरेंस नहीं है। ये एच डी है तो यहां पे एच ई हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एच ई? हाईली एनलार्ज्ड, डिमिनिश नहीं, हाईली एनलार्ज्ड। फैंटास्टिक। तो कैसे याद रखना है? ऐसे सिर्फ तीन याद रखो, बाकी तो याद हो जाएंगे। अब मुझे बताओ हमारे आखिरी रे डायग्राम को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल अवर आखिरी रे डायग्राम? व्हाट इज इट? यस वी कॉल इट एस आर के। फैंटास्टिक। वी ईदर कॉल इट एज एस आर के विच इज शाहरुख खान ऑब्वियसली, और वी कॉल इट एज वी। Why would you call it as V? Because this is the only image where concave mirror forms a virtual erect and enlarged image. है ना? This is the only image. So either we call it as SRK or we call it as V. Fantastic. तो यहाँ पे object कहाँ होता है? Object होता है आपके between focus and pole. Image बनती है कहाँ पे? Behind the mirror. कहाँ बनती है ये? Behind the mirror. Fantastic. और ये भाई nature क्या हो जाता है इसका? Nature हो जाता है virtual erect और size होती है enlarged. तो ये क्या हो गया? सब लोग भी घर पे बोलेंगे अपने पेरेंट्स को परेशान करो, बच्चों का काम होता है पेरेंट्स को परेशान करना, पेरेंट्स को परेशान करो, बोलो सब लोग जोर से, ठीक है? और इसको हम क्या कहते हैं? शाहरुख खान इमेज। क्यों शाहरुख खान इमेज? क्योंकि ये इमेज बहुत यूनिक है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक इमेज है, क्योंकि दिस इज द ओनली केस व्हेन कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, करेक्ट? हाँ। तो अभी आप पूछोगे सर आपने 5 मिनट स्पेंड किया ये पढ़ाने में, काहे? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम कॉनकेव से इक्वल है 99%। क्या डिफरेंस हो जाएगा बताता हूं मैं, आप देखो, अब देखो बच्चों मैजिक, ठीक है? आप क्या देखोगे? आप अभी आप देखोगे मैजिक। वाह, देखो ध्यान से, पूरे ध्यान से देखो, एब्सोल्युटली इक्वल। इंफिनिटी ऑब्जेक्ट पोजीशन नो चेंज, इमेज पोजीशन अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस, अभी मैं लिखने वाला हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं लिख रहा हूं ग्रीन में, कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं ग्रीन में लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट पोजीशन नो चेंज, इमेज पोजीशन, फोकस होते हैं दो, फोकस होते हैं दो। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये होता है इंफिनिटी 2f1, f1 लेंस, f2 2f2, तो फोकस बनता है यहां पे ना, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है f2। सेम सेम सेम, नो डिफरेंस। सेकंड इमेज। अब बात आती है कि क्या हमारे लेंस में सी हमने कभी डिनोट किया है? द आंसर इज नो, सी नहीं डिनोट किया हमने, हमने तो सी को काट के लिख दिया 2f1। व्हेन द इमेज इज बियॉन्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, वेयर इज द इमेज फॉर्मड? बिटवीन सी एंड एफ। कौन सा सी? यहां पे दो है ना, यहां पे दो है ना, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सी एंड एफ हम क्या कहेंगे? f2 एंड 2f2। सेम, नो डिफरेंस, यहां पे नो चेंजेस, नो चेंजेस, सिर्फ हम नंबर करते। तो आप क्या देख रहे हो यहां पे? हम सिर्फ यहां पे नोमेनक्लेचर चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ भी किया नहीं, हमने सिर्फ F के बदले F2 लिखा या तो F1 लिखा, C के बदले 2F1 लिखा, 2F2। क्यों? क्योंकि लेंसेस में उनका नोमेनक्लेचर अलग है, इसलिए, वरना ये भी चेंज नहीं होता, ये भी सेम होता है, करेक्ट? अब देखो आगे, ऑन सी, भाई कौन सा सी? C1 ना, या तो इसको काट के लिख दिया हमने 2F1, एट सी कौन सा सी? 2F2, बस कोई डिफरेंस नहीं, 2F2 सेम, रेस्ट इज सेम। अब देखो नेक्स्ट, बियॉन्ड सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ वन, कौन सा सी भाई? 2F1, और ये F1 खत्म, सेम, बियॉन्ड सी कौन सा सी? 2F2, बस कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम। कौन सा फोकस? F1 फोकस, इन्फिनिटी, नो चेंज ना। लास्ट वन, यहाँ पे होता है F1, और क्या हमारे लेंसेस में पोल होती है? पोल नहीं होती है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो भाई पी कट जाएगा, बन जाएगा ओ, पी के बदले बन जाएगा ओ, खत्म। बिहाइंड मिरर, यहाँ पे कोई बिहाइंड मिरर का कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन क्या होता है बिहाइंड मिरर के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो लेंस होती है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, आउट ऑफ 6 रे डायग्राम्स ऑफ द 5 रियल इमेज बनती है, वो हमेशा लेंस के इस साइड बनती है, रियल इमेजेस, करेक्ट? वर्चुअल इमेज बनना है तो कहां होगा वो? लेंस के सामने, यहां नहीं बनेगा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे उसको? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा बनाएंगे भी, अभी डरो मत बिल्कुल, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि याद क्यों नहीं रखना है आपको इसे। तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें सेम। सो दैट मींस फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो द 6th रे डायग्राम इज शाहरुख खान।
because that's the only ray diagram when the convex lens also gives you a V. अरे रे क्या दिख रहा हूँ मैं, 1200 बच्चे 1000 लाइक्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्या बात है, मजा आ रहे हैं, मचा मचा रहे हैं, मतलब सेशन के 15 मिनट के अंदर 1000 लाइक्स, तो भाई आज तो टारगेट 3000 का है फिर। बताओ बच्चों मजा आया देख के, याद रखना ऑनेस्टली बताओ, ये याद रखने की जरूरत है आपको, कॉन्वेक्स लेंस का टेबल याद रखने की जरूरत है, बताओ आप लोग मजा आ रहा है तो बोलो तारा रहा जल्दी, ठीक है नहीं ना, हाँ लेकिन मुझे आपको ये पता, तो मैजिक था भाई ये तो पूरा मैजिक था, है ना, सही, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड टू सी कि सब लोग मुझे ना बोल रहे हैं, क्या बात है। नाउ सिंपल सी बात, अभी मुझे पता है कि टेबल याद रखना अलग चीज होती है ना, टेबल याद रखना अलग चीज होती है, खुद से डायग्राम बनाना अलग चीज होती है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लेके सेशन से जाओ, मैं चाहता हूं तो सेशन यहीं पर खत्म कर सकता हूं, मेंटी पे जा सकते हैं सीधा, नहीं करना मेरे को वो, क्योंकि डायग्राम आता है एग्जामिनेशन में, टेबल नहीं, टेबल तो याद रखने के लिए होता है। तो पहले तो अभी बच्चों जाके हम जल्दी से डायग्राम्स बनाएंगे एक एक करके, आप लोग मेरा हेल्प करना, अगर आप चाहते हो तो खुद बनाओ मेरे साथ बैठ के, कोई चिंता नहीं, रफ डायग्राम बनाओ चलता है, लेकिन बनाओ मेरे साथ, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, अगले 5 मिनट में डायग्राम्स में हो जाएगा, फिर हम मेंटी पे जाएंगे, ठीक है, प्रॉमिस। चलो अब मेरे साथ डायग्राम बनाओ, चलो ये था मेरा सबसे पहला पोजीशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कौन सा कलर चाहिए, पर्पल, पर्पल लिया हमने, पर्पल, ठीक है ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो सारे रेस पैरेलल, क्या होते हैं इसको पता है आपको ऑलरेडी, ये हमने फोकस के डिस्कशन में किया था, ऑल द रेस व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट द फोकस, दे कन्वर्ज एट द फोकस, सो वेयर इज द इमेज फॉर्मड, द इमेज इज फॉर्मड एट F2, इमेज इज फॉर्मड एट F2, जो हमने लिखा था, इमेज फॉर्मड इज रियल एंड इन्वर्टेड, व्हाई, बिकॉज द लाइट रेस आर इंटरसेक्टिंग बाय देमसेल्फ, वी डिडंट डू एनीथिंग, सो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड सेकंड व्हाट इज द साइज, हाईली डिमिनिश, क्योंकि आपको इमेज यहां पे दिख भी नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना आपको, तो ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, करेक्ट, सॉर्टेड, बन गया, देखो सॉर्टेड, सही एनिमेशन भी दिखा दिया मैंने आपको, क्या चाहिए जिंदगी में और, ठीक है। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, अब बनाते हैं इमेज, ठीक है। तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस का, हमारे क्या क्या स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस है, 3 है। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट हैपेंस टू इट बच्चों, इट हैपेंस टू F2, पता है हमें, करेक्ट। तो मैं यहीं पर आपको एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूंगा, छोटा सा प्रिकॉशन आप लोगों को लेना हमेशा है, जब भी रेज बनाओगे ना रे डायग्राम में, एरो के बिना मत बनाना, मार्क्स कट जाएगा, बिना एरो के बनाओगे, सिर्फ सीधा लाइन मार दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। हम सुंदर बनाने के चक्कर में एरो बनाना भूल जाते हैं, प्लीज कभी गलती मत करना, कभी भी गलती मत करना, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब दूसरा रे बना लेते हैं, हमारा तीसरा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे क्या है, इफ द रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इफ द रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज अनडिविएटेड, इट गोज अनडिविएटेड, करेक्ट। तो इंटरसेक्शन कहां हुई, इंटरसेक्शन हुई यहां पे, बन गया मेरा इमेज, इमेज तो बन गया मेरा, सो व्हाट इज द इमेज पोजीशन, इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2, पता है मेरे को। दूसरी बात, व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, व्हाट इज द साइज, इट इज डिमिनिश्ड, छोटा, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतना है, छोटा हो गया, डिमिनिश्ड इमेज, करेक्ट। सो वी आर डन विद द सेकंड रे डायग्राम ऑल्सो, सी हाउ क्विकली वी आर एबल टू डू, सो अ रे गोज स्ट्रेट एंड द अदर पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इमेज इज फॉर्म देयर, करेक्ट, सुपर डुपर सिंपल। मूविंग टू द थर्ड रे डायग्राम, ये थर्ड रे डायग्राम आप लोगों को मुझसे पहले बनाना है, मुझसे पहले बनाना है आपको थर्ड रे डायग्राम, ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बनाओ, सेम दो रेस को इस्तेमाल करो, सेम दो रेस का इस्तेमाल करो, अभी के अभी, अ रे विच पासस पैरेलल, एरो पासस थ्रू द फोकस, ठीक है। दूसरा रे भी बनाएंगे अभी हम जल्दी से, दूसरा रे भी बनाएंगे हम जल्दी से, अ रे विच पासस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ऑप्टिकल सेंटर से निकले, इंटरसेक्शन कहां हुआ, एग्जैक्टली इंटरसेक्शन हो रहा है आपका एग्जैक्टली 2F2 पे, एग्जैक्टली 2F2 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, देख रहे हो आप, सो रफ से भी बनाओगे तो बराबर इंटरसेक्शन होगी, क्या बात है, क्या बात है। सो इमेज पोजीशन इज अ 2F2, सेम जो हमने पढ़ा था, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड, जो हमने पढ़ा था, सेम साइज, साइज इज सेम, सॉर्टेड, थर्ड रे डायग्राम विद इन 2 मिनट्स, यू सी दैट, अगर कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स याद है तो कॉन्वेक्स लेंस धड़ 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 हो रहे हैं ना, इतना टाइम हमने कॉनकेव मिरर में स्पेंड किया था, नहीं, इससे दुगना टाइम स्पेंड किया था, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मिरर्स के कॉन्सेप्ट को कर लो पक्का, लेंस फिर फोड़ दोगे बिल्कुल, ठीक है, ओके बच्चों ये हो गया। अब ये देखो रे निकली, रे निकली इंटरसेक्टेड एग्जैक्टली 2F2, नो लोचा हटाओ, नो लोचा हटाओ, सही, ओके, नेक्स्ट फोर्थ रे डायग्राम,
चौथा रे डायग्राम किसके ऑपोजिट है? सेकंड रे डायग्राम के, पता है हमें, राइट? यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन उल्टे हो जाएंगे। सेकंड रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2F1, इमेज था बिटवीन F2 एंड 2F2, अब उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज बन जाएगी, देखते हैं क्या बनती है। अरे रे क्या हो, मैंने ना ये जाना, पासेस थ्रू F2, ठीक है। अनदर रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देखते कहां इंटरसेक्ट होता है। वोहो, इंटरसेक्टेड बियॉन्ड 2F2, सो इंटरसेक्शन हैपेंड बियॉन्ड 2F2, इमेज वही बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है अभी भी, और उसके अलावा इमेज इज एनलार्ज, दिखता है ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज देखो इतना है, डन, बन गया। अरे बन गया भाई, फोर्थ रे डायग्राम बन गया एक मिनट के अंदर फोर्थ रे डायग्राम बन गया। स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे याद है, टक टक बन जाएगा। पांचवा ये देख लेते दोबारा, देख लो, देख लिया इंटरसेक्शन सही। अब पांचवा रे डायग्राम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कहां बनना चाहिए इमेज? इमेज बनना चाहिए इंफिनिटी पे, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मेरा पहला रे है ये, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासिस थ्रू F2, खत्म। दूसरा रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा। अब देखो ये दोनों मामू कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों मामू दिख रहे हैं हमें पैरेलल, करेक्ट। और मैंने आपको मिरर्स के सिनेरियो में बताया था बहुत ही क्लियरली, जिन्होंने भी बच्चों ने रे डायग्राम नहीं देखा तो उनको पता है कि ये दोनों मामू दिख रहे होंगे पैरेलल, ये दोनों मामू दिख रहे होंगे पैरेलल, लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो पैरेलल हैं? प्रैक्टिकली में कोई भी चीज़ें पैरेलल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री? द आंसर इज नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ज्योमेट्री में कोई भी चीज़ें परफेक्टली पैरेलल नहीं हो सकती है, नहीं ना? हाँ एग्जैक्टली। तो ये कहां इंटरसेक्ट करेंगी? ये जाएंगी बहुत दूर जाने के बाद, मे बी बहुत दूर जाने के बाद, उसको इन्फिनिटी कहेंगे, इन्फिनिटी पे जाके वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो इन्फिनिटी इज द इमेज पोजीशन, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड स्टिल, और आपका साइज क्या है भाई? हाईली एनलार्ज्ड। और ये किस रे डायग्राम से ऑपोजिट है? पहले रे डायग्राम से ऑपोजिट है, करेक्ट। लो कर लो बात, हो गया बच्चों, ये भी हो गया। तो ये रे था फोकस के थ्रू गया, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गया, इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट हो गया। अब बात आ गई शाहरुख खान की, मतलब देख रहे हो 5-5 मिनट में टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं, आज मजा आ रहा है मेरे को, इतना फास्ट पेस चल रहा है आज का सेशन, बड़ा मजा आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा है तो बोलो तारा रहा जल्दी से, सही ना? क्या बात है। और देखते देखते हमारे 1200 लाइक्स भी हो चुके हैं, एंड हमारे पास 1200 से बच्चे भी हो चुके हैं। तो बच्चों आज का टारगेट 3000, सब लोग मचाओ एकदम लाइक्स, राइट? क्या बात है। तो बच्चों इसको भी ध्यान से देख लो, ठीक है। ये हमारा शाहरुख खान इमेज है और ये आता है बहुत एग्जामिनेशन में, तो इसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो पूरे ध्यान से, कलर इसके लिए कुछ अच्छा चूज करते हैं, ऑरेंज, वेदांतो कलर ऑरेंज, ठीक है। इसके लिए तो मैं तीनों के तीनों साइड इंसिडेंट रेस इस्तेमाल करूंगा, फिर दिखाऊंगा आपको कि कैसे इंटरसेक्शन नहीं हो रही है। पहला रे दिख रहा है ये कलर थोड़ा बहुत ना, हाँ ठीक है। दिस रे पासेस थ्रू फोकस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, करेक्ट। दूसरा रे, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। अब क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला रे और ये वाला जो रे है एक दूसरे से डाइवर्ज आउट हो रहे हैं ना, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये भी उस तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से पूरी की पूरी तरीके से डाइवर्ज आउट हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन तो नहीं होने वाला, इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो रियल इमेज आपको मिलने वाली है क्योंकि आपके रिफ्रैक्टेड रेज एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा भी यूज कर लेते हैं, तीसरा कौन सा है हमारा? हमारा तीसरा है भाई साहब रे पासिंग थ्रू द फोकस। सो रे पासिंग थ्रू द फोकस After reflection becomes parallel. अब देखो, अब ये ससुरा भी सीधा निकल गया, parallel निकल गया। अब ये तीनों के तीनों रे एक दूसरे को intersect नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तो देख लो, इसको मैं project back किया, इसको भी project back किया। जब मैंने project back किया तब ये तीनों के तीनों lens के first side पे, यानी कि object के position पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इंटरसेक्शन कर रहा है, और जब मैंने बनाया इमेज तो मेरा बन गया इमेज। सो व्हाट यू सी हियर इज अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि इंटरसेक्शन एक्चुअली हुआ नहीं था, अब लेंस के सामने इंटरसेक्शन होगी प्रोजेक्ट बैक करने के बाद। सो व्हाट यू सी इज अ वर्चुअल इवेंट एंड द एनला एंड द इमेज इज एनलार्ज। सो बन गया ये भी, सुपर सिंपल, राइट? यप। सो आई होप यू गाइस रियलाइज कि जितनी मेहनत हमने की थी ना मिरर्स के सेक्शन में, वो सब रंग ला रही है। वहाँ पे अगर आपने मेहनत से पढ़ा होगा तो ये सब तो भाई लड्डू, मतलब जितना लंबा ये चैप्टर, जितना बड़ा ये चैप्टर दिखता है उतना है नहीं।
आधे चैप्टर पे फुल फोकस किया तो बाकी आधा चैप्टर इज लड्डू, राइट पीपल? डन, पैरेलल इमेज, ठीक है, डन, सॉर्टेड। ये आपका टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फोटो ले लो और इसको और हमारे स्टार्टिंग वाले इसको मैच करके देख लेना वीडियो एंड होने के बाद, ठीक है? फोटो ले लो, ले फोटो। एक बच्चे ने मुझे ये फोटो लेके एक्चुअली भेजा भी था कि सर स्माइल तो बड़ी अच्छी है आपकी। चलो बच्चों, हो गया, आई थिंक वी कैन गो फॉरवर्ड फॉर दी मेंटी क्विज नाउ, है ना? कॉन्वेक्स लेंस के तीन क्वेश्चन के ऊपर मेंटी क्विज कर लेते हैं और कॉन्केव लेंस के ऊपर फिर उसके बाद आ जाएंगे। कॉन्केव लेंस में देखो, उसमें थे 6 रे डायग्राम कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में तो सिर्फ 2 ही होंगे क्योंकि कॉन्केव लेंस इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से 2 रे डायग्राम होते हैं, कॉन्केव में भी फिर 2 ही होंगे, है ना? खत्म, ठीक है? तो आते हैं इसमें, ज्यादा मत, हम जाए पहले मेंटी में जाके आते हैं। तो पहले सबसे पहले बात बच्चों, सबसे पहले बात, फोटो ले लो प्लीज, ठीक है? प्लीज फोटो ले लो, स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, प्लीज फोटो ले लो क्योंकि इसी के ऊपर क्विज होने वाला है। तो फोटो साइड में रख देना खोल के, अगर चाहो तो खुद से आंसर दे सकते हो, बहुत बढ़िया, नहीं दे सकते तो फोटो ले लो प्लीज, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, आई होप यू गाइस ने फोटो ले लिया आप लोगों ने, ठीक है? चलो चलते हैं, मेंटी तो आज बहुत दूर है भाई हमसे, ये रहा मेंटी। तो बच्चों यू हैव टू गो टू menti.com एंड यूज द कोड 313241, जल्दी। कितने बच्चे ज्वाइन कर लिया? नाइस, विच स्मार्ट पैनल डू यू यूज? प्रद्युम पटेल जी, द सेम वन विच हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लॉन्ग, स्पेक्ट्रॉन द सेम वन, या हाय प्रेम, व्हाट्सअप यार, आज मैंने आप लोगों से बात नहीं की यार, आज मैं आप लोगों से बात नहीं की। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। हाँ, आई विल वेट फॉर अनदर, यू नो, आर ऑल इमेज रियल इमेजेस इन्वर्टेड? यस रीजन, ये एब्सोल्युटली दे आर ऑल इन्वर्टेड। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं अच्छा है ब्रेड, आप कैसे हो? डिप्रेस्ड हाँ रुद्राक्ष जी, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि अब डिप्रेस्ड हो गए? डिप्रेस नहीं होना जिंदगी में, जिंदगी में कभी डिप्रेस नहीं होना है, क्या करते रहना, हमेशा हमेशा करते रहना है, दैट्स इट, ऑलवेज, ठीक है? अच्छा, क्या बात है, 1.3 के लाइक्स हो गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे 800 बच्चों ने ज्वाइन भी कर दिया, 800 बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। सो मैं एक मिनट और वेट करता हूँ, यहाँ पे 1200 बच्चे हैं तो वहाँ पे 1000 बच्चे हो जाएंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे। हाय हर्षिल, व्हाट्सअप, तारारा बच्चों, तारारा, थैंक यू सो मच परी, हाय अजय, थैंक यू सो मच बेटा। सर वाई पैरेलल लाइंस मेट एट इन्फिनिटी? यू कैन कीप एक्सटेंडिंग इट बेटा, यू कैन कीप एक्सटेंडिंग इट, यू विल सी दैट द इंटरसेक्ट इन्फिनिटी ओनली, और इट्स नॉट एक्जैक्टली इन्फिनिटी, इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस कंपेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट्स व्हाई, ठीक है? बिकॉज दे आर पैरेलल ऑलमोस्ट ना, दे वेर कन्वर्जिंग, देन दे विल इंटरसेक्ट देयर लेंस, करेक्ट? यप, ओके ओके, ग्रेट, पक्का? हाय हाय हाय, थैंक यू सो मच, हाय, ओके, 9:35, ऑलमोस्ट गोइंग टू रीच 9:50, एज सून एज दैट टचेस 1000 स्टूडेंट्स आई विल स्टार्ट, ठीक है? जल्दी 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 ज्वाइन कर लो, 1400 लाइक्स हो गए, तो बच्चों मेंटी स्टार्ट होने से पहले जल्दी लेट्स क्रॉस 1500 लाइक्स, एवरीवन हिट द लाइक बटन। 9:50 हो चुका है, गोना वेट फॉर 30 सेकंड्स मोर, देन आई एम स्टार्टिंग, लेट हो गए तो मत बोलना मुझे फिर बाद में, जल्दी से, बच्चे तो भरे पड़े यार, क्या मस्त आइकन है, रोज फूल, स्नोफ्लेक्स, बी, फिश, फिश की याद आ रही है मेरे को। 5, 4, 3, 2, 1, पीपल इन दिस क्विज ऑफ नेशनल लेवल, ऑब्वियसली बिकॉज ऑल ऑफ यू इज नॉट फ्रॉम द सेम स्टेट, यू आर वर्ल्ड वाइड, यू आर इन द एंटायर कंट्री वाइड राइट नाउ, सो दिस इज द नेशनल लेवल क्विज फॉर रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज, लेट्स यू गेट्स इट राइट। क्वेश्चन नंबर 1 पीपल, ऑन योर स्क्रीन कमिंग फॉरवर्ड, यू विल हैव 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, द ओनली ऑब्जेक्ट पोजिशन वेन द इमेज इज वर्चुअल, for a convex lens the only object position when the image is virtual, which one is it? Between infinity and 2f1, on f1, between 2f1 and f1, between f1 and o, I think we call this as Shahrukh Khan and you know the answer for this question, come on people, kya baat hai, ishan ji zarurat nahi hai, hai na, ishan ji bol rahe sir please lakmeer singh aur ye karwa lo, I don't think it's important, I don't think it's necessary, I really don't think beta, ha wo aapke extra reference ke liye aapko karna hai to aap kar sakte ho, mere ko lagta nahi ki zarurat hai aur aise zarurat padi bhi nahi hai। This is the SRK ray diagram and let's see how many guys got it right.
fantastic. Out of 1,000 students, I can see 631 of you guys got it right. So it's all, so it's clearly 60% of you guys have got the correct answer. Baki ye bache kyun confused ho gaye bhai? Kyun confused ho gaye aap? Because simple tha na. The only ray diagram for convex lens where you get a virtual image is the sixth ray diagram. And the object is in front of focus and optical center. Right? I hope you guys got it. Let's just check out the leaderboards now. Hi Suraj, what's up? Koi baat nahi Lakshmi ji. Aa jaye. Okay. Hi Alan, what's up? Thank you so much Alan, Shweta, Tara Rara Bas Balle Balle Somadeep. Yaar dekho mereko dono pasand hai. Tara Rara Balle Balle dono pasand hai mereko, to aap log jo chahe bolte rehna, it's absolutely fine, hai na? And Vaishnavi ji, kya baat hai? Vaishnavi Sulgudle. It's a good name. Hi Arshida, thank you so much. Mars, Lashi, Apurva, Tejas ji. Tejas ji BB ka fan. Are Tejas ji, kaun si BB ho? Wife wali BB ki matlab wo Bhuvan Bam wali BB. Tejas? Kaun si? Preetam Sai, congratulations. Let's move on to the question number 2 right now on your screen, people. Let's go. Okay. Pakka na Harsh, Bhuvan Bam wala na? Achha, theek hai. Hi Prisha, what's up? Hi Arya. Okay. So when the object is brought closer to the focus of convex lens, the image. Agar jab hum object ko infinity se focus ki taraf laate hain, infinity se focus, matlab jab hum object ko lens ke kareeb laate hain, image ke sath kya hota hai? Agar aapne ray diagram dekha to aapko samajh mein aa gaya hoga, hai na? Moves closer to the lens, stays in place, moves away from the lens, depends on the lens. Jaldi. Which one? What do you think? Fantastic. Yes. जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लो लेंस की तरफ जाते हैं, हमने देखा था कि हमारा जो इमेज है वो फोकस, फिर बिटवीन F1 C2 F2 C2 then C2 then C2 से दूर इन्फिनिटी पे चला जाता है ना? एग्जैक्टली. फैंटेस्टिक यार. तो अभी परसेंटेज देख रहे हो, 60% 70% आ चुके हो. शाबाश, इंप्रूवमेंट इन जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन. क्रेजी. कितने बच्चे हमारे पास अभी दिख रहा है भाई? 1300 बच्चे हैं. 1500 लाइक्स क्रॉस कर दिए. तो बच्चों चलो, before this mentee ends, we need to cross 1800 likes right away. Let's go. Pranjal ji sabse upar abhi. Sohan ji namaste. Class 9th. Great. Love you too, beta. Love you too. Thank you so much, buddy. Please make sure that you're mentioning your name also, na? Taki main apna naam bhi le sakun. Theek hai? Aryan ji, thank you so much. Shreyas ji, kya baat hai, beta? Gautam, Tejas, Ansu from Mahi State. Ranchi. Good job. Wolf Mr. Sanidhya, fantastic people. You have done a fantastic job. Let's go forward for the third question for convex lens. Aise machate raho. Theek hai? Are Harshal ji, le liya apka naam maine. Bilkul padhta hu. Parikdi ji, jitna ho sakta utna padhta hu main. Thank you so much, Hazra. Okay. When is the image formed by a convex lens inverted and enlarged? I think you can give that answer. कौन से object position पे आपका convex lens एक real inverted और enlarged image बनाता है? बताओ. अबे you are the fish. अच्छा. Great. Suraj, I already took your name, bro. Okay. Hi everyone. What's up? 3, 2, 1. Your time is up. Let us check it out. What's the correct answer? And what do I see? Ooh, nice. Confusion. Why is that? When the object is between infinity and 2F1, image is diminished. Yaad rakhna. When the object is on F1, image is formed at infinity. It is not enlarged, it is highly enlarged. When the object is between F1 and optical center, image formed is virtual, erect and enlarged. Padha tha humne. The only position which is left is between 2F1 and F1. Correct? Teesre question ke baad, convex lens pe. Ye aata hai answer. ओके. संजय जी नहीं लग रहे हैं, सोहम जी नहीं लग रहे हैं. अरे जयवंत जी कैसे हो आप? नमस्ते. राहुल भी नहीं आ गया. शरण्या भी आ गई. शरण्या वन दी प्रीवियस, यू नो, आई थिंक शरण्या वन दी प्रीवियस, व्हाट टू से द क्विज, आई रिमेंबर, राइट शरण्या? यस. तो श्रेयस इज ऑन द टॉप. ग्रीनिंजा हाय ऑन द सेकंड. बोल्फमिस्टर, राहुल, शरण्या, लॉर्ड जयवंत, थैंक यू सो मच लॉर्ड. संजित, आयुष, कृष्णकांत एंड सोहम. फैंटास्टिक. Fantastic. You guys have done a fabulous job, people. तो अभी हम जाएंगे सीधा concave lens के mentee पे, लेकिन after understanding concave lens. ठीक है? तो convex lens में हमने 5-5 मिनट लिए थे, 10-10 मिनट लिए थे max to max. Concave lens में तो उससे भी कम वक्त लगने वाला है. क्यों? क्योंकि भाई साहब एक ही है concept, दो ही ray diagram है. चलो कर लेते हैं. ठीक है? तो everyone, let's go forward for the concept of concave lens.
अभी दोबारा से मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना स्पैम कर दो चैट पे कि यूट्यूब बर्बाद हो जाए, ठीक है, पूरी की पूरी तरीके से. रेडी पीपल? ओके, नाउ लिसन टू इट. वी नो कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉनकेव लेंस. कैसे? अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर के दो रे डायग्राम होते हैं, उनको लिखेंगे अभी, ठीक है. सो फर्स्ट पोजिशन इज पीपल ऑब्वियसली इन द केस ऑफ कॉनकेव इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. जल्दी बताओ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? इमेज इज फॉर्म्ड एट द, यस इट्स फॉर्म्ड एट, हाँ आई वाज रियली हैप्पी टू सी ग्रेट, इट्स फॉर्म्ड एट द फोकस. कुछ बच्चों ने मुझे F1 बोला, मुझे अच्छा लगा. तो ये कॉनकेव लेंस के लिए बोल रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि F2 नहीं बोला उन्होंने. I'm proud. नेचर क्या होता भाई? मुझे पता है, मुझे हमेशा से पता है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्क्स ऑन व्हाट पीपल. मुझे पता है कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को याद करने के लिए क्या शॉर्टकट बताया ना मैंने. मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बताया था, याद है आप लोगों को क्या शॉर्टकट था वो? जल्दी बताओ. वेद. हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड संजित. यस दृष्टि, वेरी गुड प्रगति, गंगाधर जी, प्रवीणा, एग्जैक्टली इट इज वेदांतु का जो वर्ड है, वेदांतु का जो नाम है, उसमें से आप वेद उठा लो तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड. एवरी इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड. वेदांतु का वेद सीधा वहां पे है ना. थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइस रिमेंबर इट. थैंक यू, ग्रेट. व्हाट्स द नेक्स्ट पोजीशन? कॉन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी से लेके आप इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में, बिटवीन नहीं लिखता हूं, टू नहीं लिखता, बिटवीन लिखते तो बेटर होगा ना. इंफिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगा, है ना, कहीं पे भी रख दो और हमेशा आपको इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ही मिलेगी, राइट? हमेशा ये हो, सही, नो डिफरेंस, खत्म. कॉन्वेक्स मिरर डन. आप लोगों ने जो बताया मैंने लिख दिया यहां पे, कुछ है नहीं चेंजेस. और अब करो कॉनकेव लेंस, क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है. बताता हूं कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या हो जाएगा. पहले रे डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं, इन्फिनिटी है, इमेज पोजिशन फोकस के बदले F1 हो जाएगी, क्योंकि हमने पिछले रे डायग्राम में देखा है कॉन्वेक्स लेंस का, कि जब वर्चुअल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर बनती है, और ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर F1 होता है, F2 नहीं, F2 लेंस के बाद होती है ना, पहले F1 आएगा फिर F2 आएगी, है ना. तो ये हो गया F1 आपका यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं. दूसरी बात, मैं ऑब्जेक्ट रख दूंगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि लेंस में पोल नहीं होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है. सीधा यहां पे भी ऑप्टिकल सेंटर होगा, पोल नहीं होगा. ये कौन सा F है, ये कौन सा फोकस है? F1. इसमें कोई चेंजेस है? नहीं. खत्म. बच्चों मैंने बोला था कि 5 मिनट लूंगा, इसलिए मैंने 5 मिनट भी नहीं लिया. हो गया आपका रे डायग्राम सब कॉनकेव लेंसेस खत्म पूरी तरीके से. अब मैं इसको बना के दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, डायग्राम भी है, ये टेबल तो लड्डू है, डायग्राम आता है एग्जामिनेशन में, है ना. हमारे पास अभी 1300 बच्चे अभी भी देख रहे हैं, और हमारे पास 1600 लाइक्स भी हो चुके हैं. बच्चों क्रॉस करना है 2000 लाइक्स. एवरीवन हु एंजॉयड दिस, तो बोलो, तो क्या बोलना है, तो बोलो तारारारा और गो फॉरवर्ड बल्ले बल्ले राइट नाउ. थैंक यू सो मच पीपल. बना देते हैं ना रे डायग्राम को, बना के खत्म कर देते हैं, मामला ही खत्म कर देते हैं. रुकना ही क्यों है, खत्म कर देते हैं. दो तो है. When the rays are parallel for concave lens, if you have seen my focus wala video, hai na, the video in which we explain focus, all the rays which are parallel to principal axis, what happens to them? They diverge out, hai na? They diverge out. Arrows banana mat bhul jana bhai, marks kat jayega, bekar ka. Aur in sare refracted rays ko jab main project back karunga, in sare refracted rays ko jab main project back karunga, mujhe dikhega mera intersection ho raha hai kahan pe? F1 pe. Hey, maine bola. तो क्या बन गया मेरा इमेज? वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड, जो भी आपको कहें. इमेज कहां बनी? एट F1 पे. सी राइट, सी दैट सेकंड रे डायग्राम, ठीक है. अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं पे भी इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, कहीं पे भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां रख लो, कहीं पे भी रख लो आप, कुछ भी नहीं होने वाला है. क्या नहीं होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला. क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि मैं फर्क नहीं पड़ता, कॉनकेव लेंस है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है. अभी मुझसे बहुत बच्चे ये सवाल पूछते हैं, जिसको सुनकर मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं. सवाल ये पूछते हैं, सर व्हाई डोंट यू कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर? ये क्वेश्चन इरिटेटिंग है कि नहीं, सर बताओ. बच्चों
ये क्वेश्चन इरिटेटिंग है कि नहीं? वाई डोंट यू कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर? मतलब क्या चाहते हो मुझसे और? हाँ, क्या चाहते क्या मुझसे और? मैं कॉन्वेक्स लेंस उठाऊं, उसको तोड़ू, उसके अंदर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखू ऑब्जेक्ट को? यू डोंट लाइक इट? नो, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड, आई नो राइट? हाँ, मत पूछना सवाल मुझसे. ये सवाल मेरे को मिरर में भी आता है, सर व्हाई डोंट यू कीप द ऑब्जेक्ट ऑन पोल? व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द पोल? भाई मिरर तोड़ना पड़ेगा, पोल में रखना है तो. पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर. इस बॉटल के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आपको अगर पानी डालना है तो उसको बॉटल को खोल के डालना पड़ेगा ना. ऐसे मुक्का मार के तोड़ नहीं सकते ना. लेंस और मिरर को तोड़ देगा तो फिर करोगे क्या उसके साथ? अचार डालोगे? हैं, ठीक है. अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, दैट्स द ऑब्जेक्ट. अरे इज पैरेलल, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, डाइवर्जेंस ऑफ, प्रोजेक्टेड बैकवर्ड, पासेस थ्रू F1. पता है ये बात? दूसरी बात देख लो ध्यान से. अरे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडिविएटेड, फर्क की नहीं पड़ता उसको. इमेज कहाँ बन गया? यहीं पे. सो यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट एनी वेयर यू वॉन्टेड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन F1 एंड O, कहीं भी रख दो. यहाँ पर एक और जगह करके दिखाता हूँ. ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पूरा मिटा देता हूँ, मैं दूसरे पोजिशन पर ऑब्जेक्ट को रखता हूँ. कार्यक्रम में ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखता हूँ. अरे रे, अरे रे, क्या हुआ मैंने ना ये जाना. ऑब्जेक्ट में रख दिया मैंने. ठीक है, सेम सीधा डाइवर्ज, प्रोजेक्टेड, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ? यही बनेगा, यही बनेगा भाई, कहीं पे रख दो ऑब्जेक्ट, यही पे बनेगा, फर्क ही नहीं पड़ता. राइट, यस पीपल. सो नो मैटर वेर एवर यू कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड ओ, ऑलवेज. ठीक है, अब एक छोटी सी चीज जो सेम आपने कॉन्वेक्स लेंस में मेंटी में क्वेज आया था ना, कि मेंटी क्वेज में क्वेश्चन आया था कि जब मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक लाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस के, इमेज का क्या होता है? इमेज लेंस से दूर भागता है. लेकिन कॉन्केव लेंस में ऐसी नहीं होती है. कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट को जब लेंस के नजदीक लाया जाता है, इमेज भी लेंस के नजदीक जाती है. ये देखो, ध्यान से देखना. ठीक है, ऑब्जेक्ट के नजदीक लाया जाता है तो इमेज भी लेंस के नजदीक जाती है. वो बिटवीन F1 एंड O ही रहेगी, लेकिन वो लेंस के नजदीक जरूर जाएगी. तो बच्चों यहां पे एक चीज क्या प्रूव हो गई कि भाई लेंस हो या मिरर, वेद जिंदाबाद. कॉन्केव लेंस के लिए भी सही वेद, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वेद, कोई चिंता नहीं. क्या है ये? जिंदाबाद. ठीक है, हो गया, चलो सॉर्टेड भाई. ये टेबल नोट डाउन कर लो, फोटो ले लो, क्योंकि इस पे सारी क्वेश्चंस आ गए मेंटी पे. सही. ओके, सो आई सी वी हैव क्रॉस 1700 लाइक्स, वी आर रीचिंग 2000 लाइक्स वेरी वेरी सून. एवरीवन हु हैजंट हिट द लाइक बटन येट, हिट द लाइक बटन. एंड इफ इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. आई रियली वांट द सब्सक्रिप्शन टू चेंज बाय नाउ. 300 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए भाई द सेशन एंड, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, है ना, अभी के अभी. चलो ओके, थैंक यू, थैंक यू पीपल. यू गॉट फुल इन लाइट? अरे क्या बात आई है, कर ले मेंटी फिर, मेंटी कर ले, चले जाना आखिरी मेंटी पे. सर बताओ, सर डिड यू हियर ही रांझा सॉन्ग? हाँ बेटा, आई हर्ड बीवी गाना बहुत अच्छा था, काफी अच्छा गाना बनाया. भुवन बाम भी तो अच्छे हैं काफी, गाना बनाने में काफी अच्छे हैं. आई बीन फॉलोइंग फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम, फ्रॉम आई थिंक द फर्स्ट सॉन्ग, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द फर्स्ट सॉन्ग. फिर सफर आया था, सफर भी काफी अच्छा था. यप, राइट, सही, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आएंगे. चलो मेंटी करते हैं फिर. ओके, लेट्स गो टू द मेंटी क्वेस्ट नाउ, हियर इट इज. जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है उनको क्या करना है? menti.com डालना है और कोड डालना है 313241. menti.com पे जाओ और कोड डालो 313241. जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं उनको ज्वाइन करने के लिए 30 सेकंड्स दूंगा, और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था स्टार्टिंग में उनको भी मैं 30 सेकंड्स दूंगा, ताकि एक बार रिफ्रेश कर दो, क्योंकि कभी कोई लोड नहीं होता है, रिफ्रेश कर लो हमने पेज को. ठीक है, जल्दी से सोचो, जल्दी से, जल्दी से. वाह वाह वाह, 1800 लाइक्स हो चुके हैं हमारे. ठीक है, थैंक यू सो मच आदित्य. सो डू यू टीच वन ऑन वन इन क्लासेस वेदांत? नो प्रवीण, आई डोंट टीच वन ऑन वन, OTMs. थैंक यू सो मच हरप्रीत. कान ज्वाइन? अरे वैष्णव, डोंट डू लाइक दैट, गो टू menti.com, C313234, है ना, जल्दी से. ठीक है, जिन बच्चों के साथ सिमुलेशन देखना है, मैं सिमुलेशन भी आपको दिखा दूंगा, अगर आपके पास एंड में थोड़ा और वक्त है, मैं 2 मिनट के थ्रू सिमुलेशन भी आपको दिखा दूंगा, इफ इन केस यू वॉन्ट इट. ठीक है, डोंट वरी. ओके,
कूल कर लिया ज्वाइन, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, 1 ऑन योर स्क्रीन, लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, ऑल द बेस्ट. तो बच्चों पिछले क्विज सेशन में हमने 60% 70% लाया था, इस बार हमें 70 के ऊपर लाना है. एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, हाँ नॉट द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है. इसमें पूछा गया अवे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ला रहा हूं तो इमेज सर क्या होना चाहिए, पता है आपको ये बात? सर 8 बजे क्या होने वाला है? 8 बजे नहीं बेटा, 8:30 को कुछ तो होने वाला है, बताएंगे, सरप्राइज. सर डिड यू वॉच दिल बेचारा? नहीं बेटा दिल बेचारा नहीं देखा अभी तक, वक्त नहीं मिला मुझे, आई ट्राई, बट मैंने फॉल्स इन द स्टार्स देखा हुआ है तो आई एम ओके विद इट. देखूंगा तो सुशांत सिंह के लिए देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा, है ना. ओके ओके लिटिल बोर्ड्स, ओ माय गॉड यार बच्चों कंफ्यूज हो गए आप लोग. क्या पूछा गया है? जब तो व्हेन द लेंस इज टेकन फार अवे, जो ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता है, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज हाईली डिमिनिश होता है ना. तो इफ आई एम टेकिंग अवे द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, द इमेज बिकम्स डिमिनिश, छोटा होता है, वो बड़ा नहीं. जब नजदीक के पास, जब मेरे लेंस के पास आते हो तब वो बड़ा होता है, राइट? भूल गया ना. तो एक काम करते हैं, जल्दी से आपको दिखा देता हूं मैं वाला, देखो जब मैं नजदीक ला रहा हूं बड़ा हो रहा है, जब मैं दूर ले जाऊंगा छोटा हो जाता है. कोई बात नहीं, ठीक है, चलो लेते हैं लीडर बोर्ड से. सबसे पहले है कौन? काव्या जी क्या बात है, आपको तो पता है सब. प्रीतम जी, आदित्य जी, मृदुल जी, सोहम, सोहम तो पहले से था. क्रेन इंजर्स ऑन द टॉप नाउ, विल्फ मिस्टर इज ऑन द सेकंड, श्रेयस इज ऑन द थर्ड, शरण्य ऑन द फोर्थ, लॉर्ड जयवंत ऑन द फिफ्थ, आयुष ऑन द सिक्स्थ, सोम ऑन द सेवंथ, आदित्य, प्रीतम, मृदुल. और मैं देख सकता हूं कि ग्रीन निंजा और वुल्फ मिस्टर में सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है. काफी ज्यादा मचाया जा रहा है इस क्वेश्चन जो काफी ज्यादा, क्योंकि पॉइंट डिफरेंस है काफी काफी कम. सबके सब 3800 पे ही है, सबके सब, मतलब कोई भी जीत सकता है भाई, कोई भी जीत सकता है. तो आखिरी जो 2 क्वेश्चन वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बिल्कुल भी गलती मत करना. सिर्फ 900 बच्चों ने वोट किया था लेकिन यहाँ पे 1200 बच्चे हैं, सबके सब ज्वाइन करेंगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ. लेट्स गो पीपल, चलो मचाओ. यू अग्री निंजा अर्शिल? अरे अर्शिल मचा रहे हो भाई. Consider an object an infinite distance from a concave lens. Where is the image for? Oh my God. Oh my God. Such an easy question. At focus on opposite side of the object, at focus on the same side of the object, at 2F, at 2F. हमने तुमको दिल ये दे दिया, तुमने न पूछा कौन. 1800 बच्चों ने लाइक कर दिया, क्या बात है, थैंक यू सो मच बच्चों. तो बच्चों 2000 लाइक्स टारगेट है हमारा, 3000 का था, 2000 कर लेते हैं. मेंटी खत्म होने से 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से हिट 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 द लाइक बटन. ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से आ गया बेशर्मो. एट फोकस ऑन द सेम साइड ना, दूसरे साइड बनता है क्या है लेंस पे, कॉनकेव लेंस में वेद बनता है हमेशा, ऑलवेज ऑन द सेम साइड. भूल जाते हो, भूल जाते हो, क्या बात. ओके व्हाट डू आई सी, थैंक यू सो मच सोम बेटा, लेकिन नो और आई एम जस्ट सिंपल गाय, ऐसे मत लिखा करवाया सोम जी, बट आई एम थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट. वुल्फ मिस्टर इज ऑन द टॉप, मैंने बोला था भाई कोई भी जीत सकता है, अभी भी सबके सब 4800 700 700 700 पे हैं, क्या बात है क्या बात है, कि बहुत ही क्लोज कॉल. कोई और नया आया नहीं, प्रीतम, आदित्य, सोम, सोम नया आया, सोम डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. यानी कि आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स हमारे आखिरी क्वेश्चन का विनर कौन होगा, देखते हैं ऑन योर स्क्रीन्स. लेट्स गो पीपल, लेट्स गो. आप तो एड में आए थे, हाँ जी श्याम जी एड में आए थे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कॉनकेव लेंस, इट कैन मेक रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस, इट कैन मेक इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेजेस, इट कैन ओनली मेक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, इट कैन ओनली मेक रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस. आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर सिंपल क्वेश्चन. सबको जिसको भी वेद याद है उनको पता है इस बारे में, है ना, जिनको भी वेद वाला वर्ड याद है उनको पता ही है. 1900 लाइक्स क्रॉस करते हुए 2000 लाइक्स क्रॉस करने वाले हैं बच्चों. चलो 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 टारगेट को बढ़ाते हैं, 2200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, क्योंकि इसके बाद सिमुलेशन भी करना है, मैं जल्दी से सिमुलेशन भी कर लेंगे, है ना. चलो 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 चलो, ना दैट्स अ गुड परसेंटेज, वेल डन, यस. प्लीज रिमेंबर, मैंने आपको 50 बार बोल दिया, 50 बार क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, वेद, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर भाई, वेद, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश ऑलवेज, ठीक है. Now, before I show you guys the leaderboards, मैं आप लोगों को सिमुलेशन दिखा देता हूं, है ना. आप लोगों को सिमुलेशन देखना था, एक मिनट रुक जाओ.
मैं आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ लेंसेस के भी। चलो ये देख लीजिए इसके थ्रू, हाँ सही ना, ये तो आपको पता ही है, सिम बकेट देख लो, सिम बकेट लिंक है, ये गूगल में सर्च कर लेना मिल जाएगा आपको। ठीक है, कर लेते हैं इसको फुल स्क्रीन। ओके ठीक है, सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज इज एट फोकस ऑलमोस्ट फोकस, मैं इसको इन्फिनिटी ले नहीं जा सकता ना इसलिए मैंने फोकस। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 इमेज इज बिटवीन f एंड 2f, दिख रहा है ऑन 2f1 इमेज इज एट 2f2, क्लियर, बिटवीन 2f1 एंड f1 इमेज इज एट बियॉन्ड 2f2, ऑन f1 कहां जाएगा वो, जाएगा वो इन्फिनिटी, इमेज दिखा दिया भाई कहीं तो है, तुम देख भी नहीं सकते उसको, कहीं है वो इन्फिनिटी पे है। अब इफ द ऑब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ फोकस व्हाट डू यू सी, यू सी दैट ऑल द 3 रेज आर डाइवर्जिंग आउटवर्ड, सो नो रियल इमेज फॉर्मड, सो यू प्रोजेक्ट बैक ऑल द रेज एंड दे इंटरसेक्ट इन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्मड। तो जिन बच्चों को ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि भाई ये इमेज इन्फिनिटी में कैसे बन रहा है, दिखा देता हूं, देखो वेयर इज यू नो, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ये देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सी द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, सो ऑब्जेक्ट इज ऑन द फोकस, ऑब्जेक्ट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, इमेज कहां बना है, इन्फिनिटी सेंटीमीटर पे, बहुत कहीं दूर इन्फिनिटी सेंटीमीटर बना हुआ है वो, इमेज हाइट कितना है माइनस इन्फिनिटी सेंटीमीटर, माइनस का मतलब इन्वर्टेड बना है, और हाइट कितना है इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये रहा आपका शाहरुख खान। ठीक है चलो अब चेंज करते हैं लेंस को, डाइवर्जिंग लेंस देख लो क्या होता है, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, सारे के सारे रेज डाइवर्जिंग आउट है, इनको प्रोजेक्ट बैक किया कहां पे बनी, फोकस पे, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं इन्फिनिटी पे तो ये बन जाएगा फोकस पे। अब मैं कुछ भी कर लू, देख रहे हो आप, कुछ भी कर लू, इमेज इज ऑलवेज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, नो मैटर वॉट एवर आई एम डूइंग, कहीं से भी मूव कर दो इसको, देखा ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, सो दिस वॉज द सिमुलेशन पीपल विच ऑल ऑफ यू गाइज वॉन्टेड टू सी। ठीक है चलो ओके, आ जाते हैं हमारे सेशन में। ठीक है बच्चों, आई होप यू गाइज गॉट द क्लैरिटी ऑन दैट। तो यप, बिफोर आई शो यू गाइज द लास्ट एंड द फाइनल लीडरबोर्ड टुडे, यहाँ पे अभी भी 1200 बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे पास 2000 लाइक्स हो चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर क्रॉसिंग द टारगेट टुडे पीपल, गिव मी क्विक हाई फाइव एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स अ बल्ले बल्ले फ्रॉम मी, एंड दैट्स अ तारा रारा फ्रॉम मी एज वेल, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी क्रॉस 2000 लाइक्स इन टुडेज वीडियो, कीप हिटिंग द लाइक बटन, एंड एज आई ऑलरेडी सेड इफ इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, डूइंग अ मिस्टेक ब्रो, डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक, है ना। ठीक है, तो फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स यू नो दिस ऑलरेडी, यू नो दिस, मैं आपको ये हर सेशन बताता हूँ, मुझे यहाँ पे जल्दी से बच्चे बोलेंगे यस 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 यस, ये बताने के लिए कि कितने बच्चे यहाँ पे नए हैं, कितने बच्चे यहाँ पे नए हैं, मी यस यस कुछ भी बोल दो यहाँ पे, जो बच्चे पहली बार हमारे सेशन देख रहे हैं, तो जिन्होंने पहले कभी ये पार्ट नहीं देखा, यस है, अरे क्या बात है, तो अभी वो सारे बच्चे यस यस बोलेंगे और मेरे पुराने बच्चे भी यस यस बोलेंगे, मैं यहाँ पे 2 मिनट लूंगा आप लोगों का बिफोर आई शो यू द लीडर बोर्ड, मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो जो मुझे बच्चों ने बताया था, आप लोग मुझे बताओ कि सही है कि गलत। ठीक है, सबसे पहला डाउट्स, जल्दी बताओ बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डाउट्स व्हेन इट केम टू ऑनलाइन एजुकेशन, व्हेन इट केम टू पैंडेमिक्स, यस है सबको, क्या बात है ना, है भाई मेरे को भी है, मेरे को डाउट सॉल्व करने में दिक्कत होती है, डाउट्स आते नहीं लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत होती है आप लोगों के, है ना, नोट्स, नोट्स में किधर को डाउट्स है बताओ, मतलब नोट्स सर मिलते ही नहीं सर, स्कूल से तो मिलते हैं जो थोड़ा बहुत ठीक होता है, थोड़ा बहुत ठीक नहीं होता है, एक मार्क लिखना लिखना, 3 मार्क लिखते हैं, आइडिया नहीं है, यस है ना सबको, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, स्कूल में अगर टेस्ट और असाइनमेंट्स होने लग गए ना तो सर लग जाएगी बहुत बहुत ज़्यादा लग जाएगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चलो सर हमने कैसे कैसे करके हमने स्कूल संभाल लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक NTAC ओलंपियाड्स, इन सब का हम क्या करें, ये चारों के चारे सबसे मेजर प्रॉब्लम थे जब मैंने सर्वे लिया आप लोगों के थ्रू, और मुझे पता चला कि भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे, मैंने मास्टर क्लास में सर्वे लिया था, मैंने यूट्यूब में पूछा था, मैंने रेगुलर सेशन से पूछा था, और तब जाके मुझे पता चला कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, क्योंकि भाई हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना था वेदांतों को, हमें ऐसा सिस्टम बनाना था कि बच्चों के जो दिक्कतें हैं ऑनलाइन एजुकेशन में वो हो ही ना कोई भी। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उभर कर आई थी, वो पहला था चॉइस ऑफ शेड्यूल, कि सर कब सेशन जा रहा है कब नहीं जा रहा है वो हमारे ऊपर नहीं है, हम ये चूज नहीं करते थे, मुझे 5 बजे सेशन चाहिए, मुझे 6 बजे सेशन चाहिए, मुझे ये जो चॉइस है वो मेरे पास नहीं है। और लास्ट में यस एंड भी लास्ट में जो पार्ट है वो थी चॉइस ऑफ लैंग्वेज की, सर आप तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ाते हो, बट वी वॉन्ट टू, हमारे चैनल में तो 95% बच्चे इंग्लिश हिंदी ही चाहते हैं,
इसलिए हम उसमें लेते हैं इंग्लिश। लेकिन बहुत बच्चे इंग्लिश प्रेफर करते हैं समझने में चीज़ों को, बहुत बच्चे हिंदी प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैं खुद पढ़ाता हूँ इंग्लिश हूँ मोस्टली हमारे रेगुलर क्लासेस में, लेकिन मुझे हिंदी में समझना अच्छा लगता है। सो मैं यही करता कि पहले वॉट एवर आई यूज टू लर्न एनी थिंग आई यूज टू कन्वर्ट दैट इन टू इन हिंदी इन माई माइंड एंड आई यूज टू अंडरस्टैंड आई डोंट नो व्हाई ठीक दैट्स हाउ आई वॉज करेक्ट। तो या दिस वेरी प्रॉब्लम्स वेरी वेरी प्राउड एंड ग्लैड टू से वेदांतु हैज सॉल्वड ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ देम। Every live session, first of all, you will have unlimited live classes, not 1, 2, 3, 4. Jitne bhi classes aapko ek din mein attend karne hai, aap attend kar sakte ho. Unlimited live classes. If you become a pro subscriber, every pro subscriber has a master teacher and a class teacher inside the session, so that you get personalized attention in class doubt solving unlimited. उसके बाद रिलेटेड टू टॉपिक होगी, ऐसे नहीं कि इस क्लास में हो ये टॉपिक पढ़ाई जा रही है और किसी और 11th स्टैंडर्ड टॉपिक का डाउट्स पूछ रहे हो, तो प्रायरिटी आपके उसी सेशन का डाउट्स होंगे, उसके बाद वो होगी ना डाउट दोनों सॉल्व होंगे अलग बात है वो। उसके बाद नोट्स, एवरी सेशन इज रिकॉर्डेड यूट्यूब में, आप बार बार वीडियो को देख सकते हो वैसे भी वहां पे, और हर एक सेशन का जो हैंड रिटन नोट्स होता है, जो भी मैंने इस सेशन में लिखा था ना वैसे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे टीचर के पूरे टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, पीरियोडिक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, हर एक चीज, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, एवरी क्रैश कोर्स बेस्ड ऑन NTSC और यू नो ओलंपियाड और क्रैश कोर्स रिलेटेड टू योर ग्रेड्स is absolutely free for a pro subscriber. जितना चाहे अटेंड करो, जितनी बार चाहे करो, ठीक है? शेड्यूल अपने चॉइस का, ऑप्शंस होंगे आपके पास, चॉइस कर सकते, चूज कर सकते हो। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी के दो ऑप्शंस, चॉइस होगा आपके पास, चूज कर सकते हो। अनलिमिटेड लाइव क्लास मैंने कह दिया, ऑल माइक्रो कोर्सेस एंड क्रैश कोर्सेस फ्री फॉर अ प्रो सब्सक्राइबर, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, जो भी टेस्ट असाइनमेंट्स दोगे उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको, ये कहते हुए कि आपको कहां इंप्रूव करना है, कहां पे नहीं करना है, पहले आपने कितना किया था, अब कितना करना पड़ेगा आपको, एवरीथिंग, गुड थिंग, पर्सनल अटेंशन ऑब्वियसली, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब और ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म्स, वी ट्राई टू प्रोवाइड इट इन द प्रो सब्सक्रिप्शन। तो करना क्या है, इस लिंक पे जाना है vdnt.in/ytpro, जो स्टार्टिंग से इस सेशन में आपके बीच नीचे यहाँ बॉर्डर में दिया हुआ है vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे जाओगे, सबसे पहले चीज खुलेगी ये, ठीक है? यहाँ पे चूज करना है अपने ग्रेड को, 10th ग्रेड चूज करना है, अपने बोर्ड को CBSE 2021, ये जो भी चीजें मैंने बोली वो सारी इस वेबसाइट पर मैंशन है, डिटेल में पढ़ना, तसल्ली हो जाए, गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करना, फिर खुल जाएगा ये 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने के कोर्सेस, करेक्ट? For all the new students, I'm specially telling it to you guys. बाकी पुराने बच्चों ने तो ले भी लिया है और लोगों ने, तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इसमें से कौन सा बेटर, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि फीचर वाइज जो भी मैंने आपको बताया था उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे बेटर मैं फाइनेंशियल टर्म्स के में बारे में बताऊंगा, कि आप लोग हमेशा फाइनेंस में आके अटक जाते हो, पैसों के मामले में अटक जाते हो, तो सबसे बेनिफिशियल कौन से आपके इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं आपको बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बता देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है ना। मैंने तो 50 बार किया हुआ भाई, आपको याद भी हो गए है ना। 1 महीने के कोर्सेस होते हैं 2,700 के, 3 महीने के कोर्सेस होते हैं 2,300 के, यानी कि 1 महीने का कोर्स अगर आपने लिया तो पर मंथ पड़ेगा आपके पास 2,700 का। कितना पड़ेगा? 2,700 का पड़ेगा आपका 1 महीने का, ठीक है? 3 महीने का पर मंथ कॉस्ट हो जाएगा वो 2,300, तो डायरेक्टली आपका 400 रुपए का कम हो गया। सो 3 महीने का ले रहे हो आप 2,300 पर मंथ, तो 3 महीने के लिए 7,000 लिखा है, उसको 7,000 कर दिया। अब ऐसे अगर आप 6 महीने का ले रहे हो तो 2,700 पर मंथ के बदले आपको मिल रहा है वो 1,900 में, तो 800 रुपए का डायरेक्ट फायदा। तो 6 महीने का हो जाता है वो कितना, 11,500 After this initial discount already, ठीक है? अब एक और important सी बात, आप डाल सकते हो मेरा coupon code, जो है AK Pro। Coupon code डालने से क्या होगा कि 1 महीने का course बन जाएगा 2,700 से बन जाएगा वो 2,300, ठीक है? तो ये 2,700 कटके कितना बन गया? 2,300। 7,000 कटके बन जाएगा मेरा 6,000, और 11,500 का कटके बन जाएगा मेरा 9,800। क्या कूपन कोड है मेरा? कूपन कोड है मेरा AK Pro, क्या है? AK Pro, ठीक है? तो भाई फाइनेंशियल वाइज आपको क्लियरली दिख रहा है कि 9,800 वाला बेटर है, क्योंकि पर मंथ कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और कूपन कोड डालने के बाद और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। उसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि पर क्लास आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, पर क्लास, पर लाइव क्लास कितना पड़ेगा आपको वो बताता हूं, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, अगर मैं पर मंथ की बात करूं, अगर मैं एक वीक की बात करूं, एक दिन की बात करूं, मुझे चाहिए होंगे एटलीस्ट 8 क्लासेस इन अ डे। ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी, एटलीस्ट 8 क्लासेस चाहिए होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, एटलीस्ट
एट क्लासेस चाहिए होंगे जरूर. एट क्लासेस, सो इन अ वीक 8 6 48 क्लासेस इन अ वीक. सातवें दिन आपने छुट्टी ले ली, संडे था, 48 क्लासेस कर देते 50 क्लासेस इन अ वीक. ठीक है, 50 क्लासेस राउंड ऑफ. ठीक है, तो इन अ मंथ कितने हो गए? इन अ मंथ हो गए 50 × 4 200 क्लासेस. 200 क्लासेस से इसको करो डिवाइड, तो पर मंथ पर क्लास का कॉस्ट पता चलेगा आपको. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11.5 रुपीस इज योर पर क्लास कॉस्ट इफ यू टेकिंग अ वन मंथ कोर्स. इफ यू टेकिंग अ वन मंथ कोर्स, ठीक है. एक काम करते हैं, बाकी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, बाकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अगर मैं 3 महीने का कोर्स ले रहा हूँ, कितने क्लासेस हो जाएंगे? 200 क्लासेस 1 महीने में, तो 600 क्लासेस 3 महीने में, 200 × 3, तो 6000 को डिवाइड करो 600 से, 6000 को डिवाइड करो 600 से, कितना हो जाएगा? 0000 कैंसिल, ₹10 हो गए, 10 रुपए आ गया आपके पर क्लास. अब चलो आगे और बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन अ बिट मोर. 6 महीने का कोर्स लिया मैंने, तो कितने क्लासेस हो जाएंगे? 1200 क्लासेस. सो 9800 डिवाइड बाई 1200, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, देख सकते हो आपको आ जाएगी ₹8.2 समथिंग. पर क्लास की कॉस्ट होगी ₹8, राइट? लेसर देन, एज आई ऑलवेज से एंड इट्स प्रीटी फेमस नाउ, लेसर देन अ लेस पैकेट, वेदांतु सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ₹8. मैंने ना टेस्ट की बात की है अभी, ना मैंने असाइनमेंट्स की बात की है, नोट्स की बात की है, क्रैश कोर्सेज की बात की है, माइक्रो कोर्सेज की बात की है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स की बात की है, डाउट्स की बात की है, पर्सनलाइज अटेंशन की बात की है. ये सब तो फिर आपको फ्री में मिल गई, राइट? बता दी मैंने. अब आपकी मर्जी है, आपको 1 महीने का लेना, 3 महीने का लेना, 6 महीने का लेना, वो आपके ऊपर दे दिया. मैंने क्लैरिटी देगी 6 महीने का सबसे बेनिफिशियल है, लेकिन थोड़ा सा डाउट होता है आपको तो 1 महीने का ले लो. योर विश, दैट्स योर विश. सो दिस माई लिंक, दैट्स माई कूपन कोड. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर द सेशन पीपल. मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल लीडर बोर्ड्स, जल्दी से. ये रहा आपके सामने आपका लीडर बोर्ड्स, देखो ध्यान से. अरे अरे, कहते कहते 2100 लाइक्स हो गए, क्या बात है. ओके, श्रेयस एंड मॉन्दी क्वेश्चन. ओके श्रेयस, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम श्रेयस इज विनिंग. Congratulations, Shreyas. Fantastic, bro. Fantastic. Shreyas is on the top. Grinanjo on the second. Aditya on the third. Pritham on the fourth. Vardhan on the fifth. Soham on the sixth. Soham on the seventh. Mridul on the eighth. Kushagraji aa chuke the ninth way. Aur Wolfman Smith was on 10. Congratulations. Congratulations, people. Well done. Well done. Well done. So great job. Let me take a picture of this right away. Shreyas ji, bahut bahut badhiya. Thank you so much for winning this. But yeah, also people always remember ki doesn't matter. You know, if you're winning or losing, what matters is ki how much you participated and how much best efforts of yours you put, and also how much you gain knowledge. That's more important, hai na? Chalo, ho gaya bhai. Theek hai? Chalo, end karte hain session ko with a tararara, and let's end the session with a balle balle. Homework raha aapka? Ye raha homework. Har ek bacha jo is video ko dekh raha hai, mujhe homework kaise batayega? Comment mein. Theek hai? Bhool mat jana. Also, do let me know how much you love this session. Also, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel. Also, if in case you have any doubts, let me know in the comments. ठीक है, चलो, homework देख लिया आपने ना? ठीक है, बल्ले बल्ले, चलो, टाटा. Okay, next session कौन सा होगा? तो बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि संडे को ना, मैं संडे को कोशिश करूंगा कि साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज का वीडियो डाल दूं संडे को. ठीक है, ताकि आप देख पाओ. मंडे जब हम आएंगे, मंडे हम लेंस न्यूमेरिकल कर लेंगे, लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और वेनेसडे को हम मैग्निफिकेशन कर लेंगे. इससे चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, बुक. ओके, कूल. ठीक है, चलो. ओके, टाटा बाय पीपल, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, एंड टू मी विद द नेक्स्ट टाइम. दिस इज अभिषेक. डू नॉट फॉरगेट टू पुट डाउन तारारारा इन द कमेंट्स. विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू पुट हार्ट्स इन एवरी वन ऑफ देम. डू नॉट पुट डाउन द होमवर्क ऑल्सो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इन दिस चैनल. बाय बाय, टेक केयर पीपल, एंड टू मी नेक्स्ट टाइम. एंजॉय योर लाइफ. Stay home, stay safe, and stay strong. Ta-da.